हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं आज आपको बताऊंगा होल्डर के बारे में, होल्डर कौन सा यूज़ करना है उसके बारे में बताऊंगा। ये देखिए, ये एक सादा होल्डर है। सादा होल्डर में क्या होता है, ये लोखंड का रहता है, ये लोखंड का, जिसमें अपन ये केबल डाल के और स्क्रू टाइट करते हैं, नट बोल्ट टाइट करते हैं, तो ये लोखंड का होता है। और एक होता है ये कॉपर का होता है। तो इसमें एम्पियर रहता है। आप दुकान पे जाएंगे, कहेंगे कि होल्डर दो, तो वो एक सादा होल्डर दे देगा आपको। उसको बोलेंगे 600 एम्पियर का दो, 1000 एम्पियर का दो, तो आपको वेल्डिंग रॉड जो हिसाब से चलाना है, जितना मोटा वेल्डिंग रॉड चलाना है गेज के हिसाब से, उसके हिसाब से आपको वेल्डिंग होल्डर लेना पड़ेगा। नहीं तो ये होल्डर गर्म हो जाता है, और गर्म होके और ये होल्डर चिपक जाता है, जल जाता है, और आपको बार बार तकलीफ होता है। तो ये देखिए, ये होल्डर है, 1000 एम्पियर का होल्डर है, होल्डर 1000 एम्पियर का है। तो ये होल्डर आपको चलाने में भी अच्छा रहेगा और गर्म भी नहीं होगा। और इसमें ये जो लोकल रहता है, लोकल थोड़ा गर्म होता है, हल्का फुल्का काम के लिए जैसे हो गया आपका स्ट्रक्चर में, हो गया गेट ग्रिल का काम करना है, तो उसके लिए ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आपको कंटिन्यू काम करना है तो ये पीतल का जो आता है, ब्रास का, उसको ब्रास का बोलते हैं, ब्रास का जो आता है, वो कंटिन्यू काम के लिए ब्रास का ही आप यूज़ करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो चलिए ठीक है, अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।